क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पूर्वज बंदरों से इंसानों में विकसित हुए थे तो आज के बंदर इंसानों में क्यों विकसित नहीं हो रहे हैं? अगर हम ये आंसर साइंस से पूछे तो साइंस से कहने कि बंदरों से हमारा डीएनए करीब 93% मैच होता है, लेकिन वहीं पर चिंपांजी से इंसानों का डीएनए 99% मैच होता है। तो हो सकता है कि हम बंदर ना होकर चिंपांजी हो पहले समय में, लेकिन ना तो हम इंसान बंदर थे पहले ना तो हम चिंपांजी थे, तो हम आखिर थे तो थे कौन? एक्चुअली में हमारे पूर्वज ना तो बंदर थे ना तो चिंपांजी थे, हमारे पूर्वज थे होमिनिडाई। होमिनिडाई बंदर की एक अलग प्रजाति थी। एक्चुअली में आगे जाके दो टाइप के होमिनिडाई बने, एक वो जो पेड़ में रहना पसंद करते थे और दूसरे वो जो जमीन में चलना पसंद करते थे। जो पेड़ में रहना चाहते थे वो थे कोलिनी, जो आगे जाके गोरिला बने। गोरिला में आगे जाके कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन जो जमीन में चला करते थे वो थे होमिनी। आगे जाके होमिनी भी दो भागों में बट गए, जिसमें से एक था पेन पेनिस्कस और ये भी दो भागों में डिवाइड हो गए, जिसमें से एक था बोनोपो और एक था चिंपांजी। और दूसरे होमिनी थे हमारे पूर्वज जो थे होमो सेपियंस, जिन्हें इंसानों में विकसित होने के लिए हजारों साल लग गए। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि बंदर और चिंपांजी भी इंसान बनेंगे आज के समय में, तो आप गलत सोच रहे हो।